हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जर। बात करने वाले हैं हाउ टू स्टडी वेल इन क्लास 7 की। अगर आप क्लास 7 में पढ़ते हो और आपको कैसे स्टडी करनी चाहिए, बात करेंगे आज की वीडियो में। तो चलो फिर बिना इंट्रो टाइम वाले स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो पहली चीज जो आपको करनी है अगर आप क्लास 7 में हो तो जो है वो है, फर्स्ट थिंग इज फोकस ऑन योर क्लास लेक्चर। कि आपके जो क्लास लेक्चर होते हैं, जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जाता है, आपको उसको फोकस के साथ देखना है, फोकस के साथ पढ़ना है। क्योंकि अगर आप उसको कर लोगे तो आपका आधा काम ऐसे ही हो जाएगा। आप स्कूल में अप्रोक्स 5 to 6 hours रहते हो, अगर आप वो 5 to 6 hours फोकस के साथ अपने दोगे तो गारंटी है कि आपको उसका रिजल्ट मिलने लगेगा। तो आपको ये ज़रूर ट्राई करना है और कोशिश करनी कि आप फोकस के साथ स्कूल में पढ़ेंगे। और बात करते हैं सेकेंड थिंग जो आपको करनी है स्कूल में, जो कि है टेक गुड नोट्स। जो भी आपको स्कूल में लिखाया जा रहा है, जो भी आपको स्कूल में करा रहे हैं, आपको वो नोट ज़रूर करना है। जो भी आपको होमवर्क मिलता है अपनी कॉपी में नोट डाउन करने के लिए, वो आप ज़रूर करेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स को छोड़ देते हैं, अपना स्कूल वर्क नहीं करते हैं, जो कि बहुत एक बुरी बात है। आपको करना चाहिए, क्योंकि अगर आप रोज़ का वर्क करते जाओगे तो आपको वो बर्डन फील नहीं होगा और आपकी राइटिंग भी इम्प्रूव होगी। और क्योंकि आप उसको लिखोगे तो आपको वो चीज़ थोड़ी बहुत याद भी रहेगी, ठीक है। अब इस सेकंड टिप में एक चीज़ मैं और काउंट कर रहा हूँ जो आपको ज़रूर करनी है, जो कि है रीड योर नोट्स डेली। कि आप जो भी रोज़ नोट कर रहे हैं उसको एक बार नोट करने के बाद 1 or 2 times आपको रीड कर लेना है। सिर्फ रीड करना है, याद नहीं करना है। अब रीड करने से क्या होगा कि आप जब उसको एग्ज़ाम से पहले या टेस्ट से पहले याद करने बैठोगे तो आपको वो पढ़ा हुआ लगेगा और आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। और ये रीडिंग आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लेगी, आपका जैसे ही वर्क डन होगा आप 5 to 10 minutes में उसको रीड कर लोगे 2 times। क्योंकि आपको रोज़ का वर्क करना है तो आपको थोड़ा थोड़ा वर्क ही आप रीड करोगे तो जल्दी जल्दी वो होता रहेगा। तो आपको ज़रूर ट्राई करना है, बहुत काम की टेक्निक है, आपको इसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। बात करते हैं थर्ड थिंग के बारे में, जो कि है प्लान योर टेस्ट अर्लियर। कि आपको अपने टेस्ट के लिए पहले प्लान करना है। कि अगर आपको पता है कि आपका नेक्स्ट वीक टेस्ट है या एग्ज़ाम है तो आपको कैसे प्रिपेयर करना है, उसको आपको सोचना होगा कि आप मुझे कितनी देर स्टडी करनी है, किस तरीके से मैं अपना सिलेबस कर पाऊंगा। अब ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके लिए अलग से वीडियो बन सकती है, तो आप चाहो तो एक वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बात करते हैं फोर्थ थिंग के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्रिएट अ टाइम टेबल। आपको एक टाइम टेबल ज़रूर क्रिएट करना है, क्योंकि टाइम टेबल से क्या होता है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसका ट्रैक आपको रहता है कि आपने दिन भर में इतनी स्टडी करी है और आपने इतने टाइम अदर थिंग करी है। तो आप उसको एक तरीके से देख सकते हो और आप उसको जब करोगे फॉलो तो आपको उसका बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। ये हो गई फोर्थ थिंग। बात करते हैं फिफ्थ थिंग के बारे में, जो कि है टेक ब्रेक्स। आप पढ़ाई भले कितनी देर कर रहे हैं बट आपको ब्रेक ज़रूर लेना है। आप ब्रेक लेंगे तो उससे क्या होगा, आपका फोकस मेंटेन रहेगा। आप पढ़ाई करोगे फिर ब्रेक लोगे तो आप थोड़ा फ्रेश हो जाओगे, तो आपका ब्रेन जल्दी नहीं एग्जॉस्ट होगा। बात करते हैं सिक्स टिप के बारे में, जो कि है टेक अ ट्यूशन क्लास। कि आपको एक ट्यूशन क्लास ज़रूर ज्वाइन करनी है। अब बहुत से स्टूडेंट्स ट्यूशन क्लास नहीं ज्वाइन करेंगे, वो सोचेंगे कि हम ऑनलाइन या घर पे पढ़ लेंगे। जी हाँ, पैसा भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन भी बेहतर है, बट इसमें आपको डिसिप्लिन में रहना होगा कि आपको कंटिन्यूसली आपके पास सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए कि मैं इस टाइम पढ़ने बैठूंगा तो पढ़ने बैठूंगा। लेकिन अगर आपके पास आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, जो कि होता है मोस्टली स्टूडेंट के साथ कि वो फ़ोन से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं या फिर घर में बाकी काम करने लगते हैं, तो आप एक ट्यूशन क्लास ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पर आप रोज़ डेली 1 hour या 2 hour स्टडी करेंगे और आपके सामने क्योंकि वहाँ टीचर होंगे तो आप वहाँ डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होंगे और आप अपने डाउट आराम से पूछ सकेंगे, ठीक है। अब हमें ट्यूशन क्लास क्यों ज्वाइन करनी है, उसका रीज़न ये है कि वहाँ पर आपको एक एनवायरनमेंट मिलता है और एक हेल्दी कंपटीशन मिलता है जिसकी वजह से आप ग्रो कर पाते हो। तो ज़रूर ट्राई करना है, बहुत काम की टेक्निक है, इसको अवॉइड नहीं करना है, ज्वाइन अ ट्यूशन क्लास। बात करते हैं सेवन्थ थिंग की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन सब में और वो हर क्लास के बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि है गेट गुड स्लीप एंड ईट हेल्दी। कि आपको अच्छे से अपनी स्लीप पे फोकस करना है, 8 hours की नींद लेनी है और हेल्दी खाना खाना है। अब क्योंकि आपको ऐसा क्यों करना है, क्योंकि आपका अगर ब्रेन हेल्दी होगा, क्योंकि ब्रेन आपके खाने पर और आपकी स्लीप पर काफ़ी डिपेंड रहता है, तो अगर आपकी स्लीप एंड डाइट अगर हेल्दी होगी तो आप हेल्दी रहोगे, आपका ब्रेन हेल्दी रहेगा और हेल्दी ब्रेन होगा तो ऑब्वियसली आप अच्छे से पढ़ाई भी कर पाओगे। तो आपको इन 7 tips का ज़रूर ख्याल रखना है। और भी टिप्स हैं, एडवांस टिप्स एंड टेक्निक्स हैं जो आपको आने वाली वीडियो में मैं शेयर करूंगा। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बता देना ताकि मैं उस पर वीडियो बना पाऊँ। तो ये थी आज की वीडियो, तो अगर आपको ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आपको इसके बारे में और भी जानना है तो आप हमारा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको स्टडी रिलेटेड मटेरियल मिलता रहेगा। अगर मन में कोई क्वेश्चन और डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख भी देना। चलो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के लिए। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड पीस।